मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। सो हेलो एंड वेलकम गाइजर, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेमर प्लास्टी पे। तो गाइजर आज एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हम लोग रॉ हीरो वाइस टाउन, और आज हम लोग करने वाले एक बहुत ही तगड़ा वाला मिशन जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है उस वाले मिशन में, और आप सभी ने ऐसा मिशन कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए गाइजर आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ भाई, ये हड्डी राजा यहाँ से पता नहीं कैसे जाया जा रहा है, तो चलिए इसके पास चलते हैं हड्डी राजा के पास। तो भाई ये तो अभी थोड़ा बिजी है, तो हम इससे अभी यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करने वाले। तो हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ये हमें हाय हेलो कर रहा है, लेकिन हम इससे यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। तो गाइज यार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों के नाम अनाउंस कर देता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और हमारी हर वीडियो को वो लोग लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए गाइज यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपका भी नाम शाउट आउट में आ सके। तो चलिए मैं शाउट आउट दे देता हूँ। फर्स्ट शाउट आउट जाता है रजनीश शर्मा को, सेकंड हर्ष चंडी को, थर्ड जाता है गुरप्रीत कौर को, फोर्थ जाता है कविता शर्मा को, फिफ्थ जाता है चंद्रमणि सनमौरिया को, सिक्स जाता है कमालिनी मिश्रा को, और सेवन जाता है एसके को, और एट जाता है श्याम सोनी को, और नाइन्थ जाता है विनीत को, और एट जाता है प्रियंका मीना को, और नाइन जाता है अजीत कुमार मिश्रा को, और टेन जाता है फनी वीडियो विद अरी आर्मन, और 11 जाता है अमजद खान को। तो गाइस यार अगर आपका ना आपकी ईमेल आईडी में कोई दूसरा नाम है तो आप अपना नाम कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपका सही नाम शाउट आउट में दे सकें। तो चलिए गाइस यार आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर भाई मैंने जैसा कि कहा था कि जैसे ही 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक गिव अवे देने वाला हूं। तो भाई वो गिव अवे मैं कैसे देने वाला हूं वो भी आप सभी को बता देता हूं। तो गाइस यार जब तक हमारे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, जब तक भाई जो भी बंदा मतलब जो भी सब्सक्राइबर है हमारा, वो हमारी वीडियोस, जैसे हमने 8 मिनट की वीडियो बनाई तो वो रेगुलरली हमारी पूरी कम्प्लीटली वीडियोस को वॉच कर रहा है, तो जिसका सबसे ज्यादा वॉच टाइम हम लोगों के पास आएगा तो भाई उसी को मतलब शाउट आउट का विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो भाई मतलब 10 विनर्स होने वाले हमारे शाउट आउट के, तो मतलब शाउट आउट क्या गिव अवे के, तो गाइस यार उसी का नाम मतलब गिव अवे की लिस्ट में आ जाएगा। तो आप लोग भी भाई अपना ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम हमें दीजिए और आप लोग भी पा सकते हैं गिव अवे के आकर्षक इनाम्स। तो चलिए गाइस यार स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो गाइस यार अभी हम लोग चलने वाले टिप्स अंदाजा के पास, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई ये देख सकते हो मतलब ये जो केन है ना, ये आप लोगों ने भी रॉ हीरो वाइस टाउन में बहुत देखा होगा, देख सकते हो यार इसके अंदर आदमी होता है। तो मैं इसको देखता हूँ, देखिए पीकर देखता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम इसको फोड़ने की ट्राई करते हैं। तो भाई मैं इसे यहाँ पर फोड़ने की ट्राई करता हूँ, मुझे लगा कि यहाँ से इसमें से जूस निकलेगा, तो लेकिन देखा तो भाई देख सकते हो ये कितनी दूर जाकर यहाँ पर गिर चुका है। तो चलकर देखते हैं भाई ये अभी भी जिंदा है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर फोड़ने वाला हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने इस पर दोबारा वार किया तो देख सकते हो मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। तो अब हम क्या करने वाले, अब हम बहुत तगड़ी चीज करने वाले हैं, तो आप लोग बस बने रहिए वीडियो पर। तो गाइस यार देख सकते हो मतलब पुलिस आ चुकी है, तो अभी हम स्कूल के बाहर, तो हम अभी चलते हैं स्कूल के ऊपर। तो स्कूल के ऊपर चलने के बाद देखना मतलब कितना मजा आने वाला है। तो गाइस यार मैं स्कूल के ऊपर आकर सोचता हूँ नीचे तो मैं जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मैं उसे नीचे जाकर मैंने मॉन्स्टर ट्रक यहाँ से मंगा लिया है। तो गाइस यार अब मैं नीचे कूद जाता हूँ, तो देख सकते हो मतलब यहाँ पर भी पुलिस आ चुकी है, तो हमें फटाफट से बैठना होगा हमारे मॉन्स्टर ट्रक में, वरना पुलिस हमें यहाँ पर जान से मार देगी। तो देख सकते हो मतलब दो तीन पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं, तो भाई पीछे मतलब आगे से भी एक गाड़ी आ गई है। तो गाइस यार मतलब बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, बस बने रही है। तो भाई सबसे पहले तो हम इस पुलिस को हटाते हैं, क्योंकि अगर हम पुलिस के लगे लगे यहाँ से हम जाएंगे टिप्सन दादा के पास, तो भाई टिप्सन दादा हमें यहाँ पर मतलब बात ही नहीं करने देगी पुलिस हमें टिप्सन दादा से। तो देख सकते हो मतलब अभी पुलिस ने कैसे गाड़ी यहाँ पर फंसा दी है। तो भाई मतलब ये पुलिस वाले बड़े खतरनाक हो गए हैं हमारे वाइस टाउन के। तो अब हम चलते हैं भाई, एक पुलिस वाले को तो हमने यहाँ से कुचल दिया, तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई सीधे टिप्सन दादा के पास। सबसे पहले भाई हटाते हैं अपने पीछे की पुलिस, तो भाई यहाँ से पुलिस हटा देते हैं फटाफट से और पहुंचते हैं टिप्सन दादा के पास। तो भाई हमने यहाँ से पुलिस हटा दी और रॉयल स्टार कार लेकर हम लोग आ चुके हैं टिप्सन दादा के घर पर। तो भाई आप लोगों को भी पता होगा टिप्सन दादा का घर किधर है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर से बताइए। तो भाई मैं तो निकल चुका हूँ, मुझे टिप्सन दादा के घर का रास्ता पूरे अच्छे तरह से याद हो गया है। सो फाइनली गाइस यार देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के पास, लेकिन टिप्सन दादा ने हमें यहाँ पर टक्कर मार दी है। तो हेलो टिप्सन दादा, आपने आज जो मिशन देने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है, तो वो मिशन हमें फटाफट से बता दीजिए। अरे बता रहा हूँ छोटे, एक तो तेरे को मैंने जो टाइम बताया तो उससे लेट आया है, और ऊपर से यहाँ पर दादागिरी और दिखा रहा है। अरे नहीं टिप्सन दादा, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा आने में लेट हो गया।
चल कोई बात नहीं, मैं तुझे आज का मिशन बता देता हूँ। तेरा आज का मिशन है ना, वो जो मिलिट्री बेस वाला हमारा जो लग्जरी हाउस है ना, जो पिछले हफ्ते मैंने तेरे को वहाँ पर दिलाया था, तो उसके पीछे दो टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे, तो तुझे उन्हें खत्म करना है। तो तू फटाफट से जा, जो तू रोड स्टार कार लेकर आया तो इसी को लेकर चला जा और उन टेररिस्ट को जाकर खत्म कर दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत महंगा वाला इनाम देने वाला हूँ। मिशन की टेंशन नहीं है टिप्सन दादा, मिशन तो मैं अब भी फटाफट से जाकर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपने अभी तक मेरे पहले वाले पैसे भी नहीं दिए हैं, तो आप मुझे कब दोगे? अरे छोटे, पहले वाले पैसों की तू टेंशन मत ले, तुझे मैं सारे के सारे पैसे तेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बस तू तो आज जाकर तेरा आज वाला मिशन कंप्लीट कर दे। अगर आज वाला मिशन कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बदले मुझे मेरे बॉस से पेमेंट मिल जाएगा, तो मैं तेरा भी पेमेंट फटाफट से कर दूंगा। तो तू फटाफट से जा और मेरा मिशन कंप्लीट कर दे। तो ठीक है टिप्सन दादा, अगर आप कहते हैं तो मैं आज आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, जरा अब अपनी रोड स्टार कार को यहाँ से उठाते हैं। तो भाई इसके आगे होने वाला बहुत ही शानदार वाला सीन। तो भाई मैं यहाँ से मतलब जैसे ही रोड स्टार कार उठाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर भाई देख सकते हो ये केन वापस से दिख चुका है, लेकिन मैं अब की बार इसे यहाँ पर मारता नहीं हूँ। तो भाई अब हम लोग चलते हैं, जो स्टार्टिंग में आपने सीन देखा था वो सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग फटाफट से पहुंच जाते हैं भाई जहाँ पर टिप्सन दादा ने हमें यहाँ पर बताया है। तो गाइस यार मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ लेता हूँ, तो अब देखना भाई यहाँ पर पुलिस है, तो हमें यहाँ से थोड़ा बचकर निकलना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंचते हैं भाई ब्रिज पर। तो ब्रिज पर भी पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे हो गया, लेकिन भाई यहाँ से मैंने जो गाड़ी की स्पीड दी ना, वो मतलब बहुत ज्यादा शानदार थी। तो देख सकते हो भाई मतलब कितनी शानदार वाली यहाँ से जंप लगी है। तो भाई इस वाले सीन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना। लेकिन हम लोग यहाँ पर गिर चुके हैं भाई पानी में, तो हम फटाफट से निकल जाते हैं पानी के बाहर। तो हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे पीछे पुलिस आ चुकी है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो मैं गाड़ी ढूंढता हूँ, मुझे मिशन वाली जगह पर जाना है, तो मुझे गाड़ी चाहिए होगी। तो भाई देख सकते हो मतलब ये मतलब मेरे को लगा ये वाली कार है, लेकिन भाई ये तो रोबोट कार थी, तो ये मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो भाई देख सकते हो मतलब कितनी तगड़ी वाली फायरिंग कर रही है हमारे ऊपर। तो भाई ऐसे तो हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे, तो अब फटाफट से हम थोड़ी यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद अब थोड़ी फायरिंग बंद हो चुकी है, तो अब हम फटाफट से पहुँच जाते हैं मिशन वाले पैलेस पर। लेकिन भाई फिर मैं यहाँ से मेरे को गाड़ी दिख जाती है, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ पुलिस की गाड़ी, और यहाँ पर हमारे पुलिस भी पीछे नहीं लगी है। तो अब गाइस यार फटाफट से चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जैसे ही गाड़ी उठाता हूँ, तो मेरे को सामने हरी चुड़ैल दिख जाती है। तो मैं इसको मारने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसको मारूंगा नहीं तो भाई मेरा बदला पूरा कैसे होगा। तो इसको तो मैं यहाँ पर मार देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग मिशन वाले पैलेस पर। तो फटाफट से मैं यहाँ से गाड़ी घुमा लेता हूँ, तो भाई पुलिस की गाड़ी बहुत स्लो चलती है यार, तभी तो हमें पकड़ नहीं पाती पुलिस। तो अब हम लोग चलते हैं भाई फटाफट से। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो मतलब कितनी स्लो चल रही है। तो फाइनली रोते रोते हम लोग पहुंच जाते हैं इस वाली जगह पर। तो भाई यहाँ पर पहुंचने के बाद देख सकते हो लग्जरी हाउस तो यही है, और टिप्सन दादा ने बताया था उसके पीछे ही दो टेररिस्ट घूम रहे हैं। तो अब हम लोग उन टेररिस्ट को चलकर पकड़ते हैं और उन्हें जान से मारते हैं, क्योंकि उसी के बदले में हमें मिलने वाले हैं पैसे। तो गाइस यार आप लोगों को मिलने वाला है गिव अवे, क्योंकि आप लोग हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम दो। तो भाई देख सकते हो मेरे को यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ पर टेररिस्ट नहीं दिखा है। तो मतलब दो टेररिस्ट थे, तो भाई ये मुझे टेररिस्ट लग रहा था, लेकिन भाई ये तो मुझे पक्का पता है ये टेररिस्ट है। तो अभी देखना भाई मैं इसको कैसे मारता हूँ। तो भाई इसको तो मैंने यहाँ पर मार दिया, लेकिन ये यहाँ पर आगे देखना मरता नहीं है। तो भाई मैं थोड़ा आगे और आता हूँ, तो थोड़ा आगे आने के बाद भाई ये मोटा वाला मुझे मारने के लिए भागता है, लेकिन मैं फाइनली इसे यहाँ पर मार देता हूँ। तो देख तो मैंने जैसा कि मैंने कहा था ये हथियार लेकर हमें मारने आएगा, तो भाई हमने इसको फिनिश कर दिया है। तो भाई इसको फिनिश करने के बाद हमारे पीछे देख सकते हो पुलिस लग चुकी है। तो भाई अब आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।